जोहार दोस्तों, चलिए आज हम लोग बनाते हैं देसी चिकन। देसी स्टाइल में चिकन बनाने से पहले हम लोग कुछ मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए आपको जीरा लेना है, दो सूखी लाल मिर्च, कुछ हरा मिर्च लेना है, लौंग लेना है, इलायची, आप चाहे तो बड़ी इलायची भी ले सकते हैं, कुछ प्याज के टुकड़े, कुछ अदरक के टुकड़े और कुछ लहसुन के कलियाँ। इसको हम लोग एक मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लेते हैं। एक दो टुकड़ा दालचीनी भी डाल लीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग का मसाला का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। आप भी इस तरह पीसे। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और सरसों का तेल को गर्म होने तक रहने दें। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम कुछ खड़े मसाला डालेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, चाहे तो बड़ी इलायची भी ले सकते हैं। अब इसको तेल में डालेंगे। इसमें कुछ कटे प्याज डालेंगे। आंच को तेज कर देंगे थोड़ा। प्याज को लाल होने तक भूंजे। प्याज आपके लाल हो जाएंगे तब तक हम कुछ लहसुन की कलियां और अदरक छोटे से टुकड़े को इसमें कूच लेंगे, ताकि इसे मीट में अच्छे खुशबू आएंगे। इसको आप प्याज के ऊपर में डालिएगा। थोड़े अच्छे से कूटे इसको आप। देखिए अब इसको आप इसमें डाल दीजिएगा और प्याज को लाल होने तक ही भूनो। देखिए हम लोग का प्याज अब भुना रहा है। देखिए हमारा प्याज अब लाल होने तक भुना चुका है। चिकन डालेंगे। सारे चिकन को भी डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा चला लेंगे, अच्छे से चलाएं ताकि नमक सब तरफ फैल जाए। देखिए आप एक दो बार मिर्च को बीच बीच में चलाते रहें और लाल होने तक भूंजिए। देखिए अब हम लोग का चिकन पूरा लाल होने तक भुना दिया है। अब हम लोग इसमें मसाला डालेंगे। अब हम लोग पिसा हुआ मसाला डालेंगे। मसाला को आप अच्छी तरह से पीसिएगा। अब हम लोग इसमें कुछ सूखा मसाला डालेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हम लोग लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम लोग इसको अच्छे तरह से चलाएंगे ताकि मसाला सब तरफ हो। चिकन कितना कलरफुल दिख रहा है। आप भी इस तरह ही पकाएं, खुशबू भी कितना अच्छा आने लगा है। अब हम लोग आंच को कम कर देंगे और इसको ढक के कुछ मिनट तक धीमी आंच में पकाइए। देखिए हम लोग का मसाला भून के तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर अब फुल आंच में पकाइए। इसके बाद हम लोग का देसी चिकन करी बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हम लोग का चिकन करी बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, कुछ धनिया पत्ता। देखिए हम लोग का चिकन करी बनके तैयार हो गया है।
अब हम लोग इसको चावल के साथ परोस के खा सकते हैं।